आप लोग से थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव है, फेज टू में वोटिंग होने वाली है, फेज वन हो चुकी है, आपको क्या लगता है किसकी लहर है राजस्थान में? राजस्थान में तो राष्ट्रवाद की लहर है और बिल्कुल राष्ट्रवाद की सरकार बनेगी। तो राष्ट्रवाद से आपका क्या मतलब? मतलब क्लियर है, सबको पता है क्या है मतलब, तो मोदी जी की सरकार बनेगी फिर एक बार 400 बार। अच्छा, पिछले 10 साल में जो देश का चौथरपा विकास हुआ, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपने सड़क व्यवस्था, आज पूरे भारतवर्ष में एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने के लिए जिस तरीके से कार्य नितिन गडकरी जी और मोदी सरकार ने जिस तरह से कार्य किया, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने हर घर नल योजना के तहत करोड़ों घरों में नल की व्यवस्था करवाई है। और अपन जोधपुर की बात करें, जोधपुर में भी पानी की वैसी कोई व्यवस्था जिसमें अपन कह सकते हैं कि नहीं है, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था है। अब रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर एक ऐसा विषय है जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसपे अपन लोग ये नहीं कह सकते, कई बार करण सिंह जी कहते हैं कि हम भी तो श्री राम के भगत हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। तो जब आप श्री राम के भगत हो, तो आपने एक बार भी आमंत्रण जब भेजा कि आप लोग पधारिए, तो आप क्यों नहीं आए वहाँ पे, क्यों आपने आमंत्रण ठुकरा? आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत को नया विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, भारत को नया एक चैप्टर दे दिया, उनके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो फिर हम जोधपुर की जनता उनके लिए तैयार है, उनको पूरी तरीके से हराने के लिए हम तैयार है। आपको क्यों लगता है मोदी जी का सरकार आएगा? बहुत अच्छा लगता है मोदी का सरकार। अच्छा। बहुत लुगाई वास्ते, बहुत लेडीज वास्ते काम करिया, मिंदर बनाया, भगवान रो मोदी जी जीते।